तो कैसे हो भाई लोग, और वेलकम आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आप लोग देख रहे हो लहसुन गेमिंग, और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से मेंटेनेंस, नई चीज़ क्या आपको देखने को मिलेगी अपने फ्री फायर में। तो दोस्तों, नई चीज़ क्या आने वाली है मैं आपको अभी जस्ट बताता हूँ, मेंटेनेंस के बारे में आपको टोटल इन्फॉर्मेशन दे दूँगा मैं। तो चलिए पढ़ते हैं। पहली चीज़ है ये क्लैश स्क्वाड में सीज़न सिक्स आ गया है। लास्ट सीज़न 5 था, इस पर सीज़न 6 आ गया, और सीज़न रिवॉर्ड आपको मिल रहा है द गोल्डन M500 न्यू मैप बर्मुडा रेममास्टर, यानी कि आपको नए मैप में, यानी कि बर्मुडा रेममास्टर में आपको खेलने का है। और शायद आप क्लैश स्क्वाड खेलेंगे क्लैश स्क्वाड खेलेंगे तो आपको गोल्ड पे पहुँचने के बाद शायद ये गोल्डन M500 मिल जाएगा। दोस्तों, जैसे कि लास्ट 2 अपडेट्स के हिसाब से आपको एक डेजर्ट ईगल गोल्डन मिल चुका रहेगा और एक G18 गोल्डन मिल चुका रहेगा, लेकिन M500 नहीं मिला है। दो गन बचा है, M500 और USP P90 भी गोल्डन मिल चुका है। तो दोस्तों, ये कैसे मिलने वाला है? तो ये इस बार आपको ये खेलना पड़ेगा और आपको आसानी से गोल्डन M500 मिल जाएगा। दोस्तों, इसका स्किन देखिए, ऑसम सा स्किन है, मस्त स्किन दिख रहा है, एक नंबर है। देखते हैं क्या मतलब इसका मतलब रेंज ज़्यादा है कि एक्यूरेसी ज़्यादा है कि मतलब डैमेज ज़्यादा है, क्या ज़्यादा है वो हम लोग देखेंगे, पक्का देखेंगे। ठीक है, अगले अपडेट की तरफ जाते हैं। ओके, रिवाइवल पॉइंट अवेलेबल इन ऑल मैप्स ओनली इन क्लासिक मोड। ओके, तो दोस्तों अगला अपडेट ये है कि जो हम लोग क्लासिक बर्मुडा खेलते थे उसमें एक रिवाइवल पॉइंट रहता था, यानी कि हम अपने टीममेट्स को, जब टीममेट्स मर जाएँ तो जाके उसमें उस पर्टिकुलर पॉइंट पे खड़े होके हम उनको बचा सकते थे। दोस्तों, वो पॉइंट्स था पीक के पीछे साइड में, पीक में 3 पॉइंट्स थे वो, फिर बीमा शक्ति में 1 पॉइंट था, फिर अपना पोचिनॉक में 1 पॉइंट था, क्लॉक टावर में 1 पॉइंट था, तो बहुत सारे पॉइंट्स थे। तो ऐसे ऐसी जगह पे हम लोग जाके अपने टीममेट्स को बचा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी ये लेकिन एक इसमें लिमिटेशंस था, ये केवल क्लासिक मोड में केवल बर्मुडा के मैप में ये केवल रिवाइवल पॉइंट हमको मिलता था, कलहारी के मैप में और अपना परगेट्री के मैप में नहीं मिलता था। तो अभी ये अपडेट के हिसाब से हमें हर एक मैप में, अगर हम क्लासिक मोड खेल रहे हैं, कोई भी मैप हम लोग खेलते हैं, तो उसमें ये वाला रिवाइवल पॉइंट आपको मिलेगा। तो ये एक अच्छी चीज़ कर दी है इन्होंने, लेकिन इसमें भी कुछ लिमिटेशंस आ गए हैं, वो लिमिटेशंस मैं आपको बाद में बताऊँगा। ठीक है, बिकॉज लिमिटेशंस क्या है, यही लिमिटेशंस है कि बार बार मर के जिंदा हो सकते हैं, और एक जो क्लासिक खेलने में जो एक ये रहता है ना, रेस लगी रहती है ना, क्या बोलते हैं उसको, एक लेवल अप रहता है ना, वो मतलब अपने को मिल नहीं पाता है वो, तो इसके लिए यही थोड़ा लिमिटेशन है, बाकी इन्होंने ठीक काम किया है। ओके, अगला देखते हैं, कैरेक्टर स्किल अपडेट हुआ है। तो दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा मतलब फ़ायदा कैरेक्टर स्किल वाले में, सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन लोग को होने वाला है जिनका वुकोंग है, जैसे कि मैं। ओके, मेरे को बहुत खुशी हो रही है। और सबसे ज़्यादा नुकसान उनको होने वाला है जिनके पास क्रोनो है। ओके, सो नुकसान नहीं मतलब कम हो गया है, उसका स्किल कम हो चुका है। तो मैं आपको वुकोंग का स्किल बताता हूँ। वुकोंग में देखिए, अरे क्या हो गया। ओके, ट्रांसफॉर्म ड्यूरेशन 15 सेकेंड, यानी कि आपको 15 सेकेंड मिलेगा। अभी जैसे आपने झाड़ बन गए, उसका आपको 15 सेकेंड लगेगा उसको रिवोक करने के लिए। और जैसे ही आपने एक बंदे को मार दिया, इस अपडेट के हिसाब से अगर आपका वो चार्ज हो रहा है और अगर आपने बीच में एक बंदे को मार दिया तो चार्ज होना बंद हो जाएगा, और फटाक से आप फिर से यूज़ कर सकते हो, वो जो घास रहता है ना फिर से आप यूज़ कर सकते हो। न्यू चीज़ और क्या, फायरिंग द वेपन विल कैंसल कंफ्यूज इफेक्ट। ओके, आप मतलब यही जो मैंने बोला, मतलब एक सेकेंड ये मेरे को परेशान कर रहे हैं। टेक डाउन एन एनिमी विल रिसेट द कूल डाउन, जब अगर आपका वो जो घास है जो कूल डाउन कर रहा है, अगर वो आपने उसी समय गोली मार दी किसी भी बंदे को मार दिया तो किसी भी बंदे को टेक डाउन कर दिया, तो वो आपका कूलिंग डाउन स्टॉप हो जाएगा और आपका मतलब रीसेट हो जाएगा, कूलिंग डाउन रीसेट हो जाएगा। और रफेल का भी बहुत सारा आया है, इन्होंने कैरेक्टर स्किल बहुत इसमें मतलब नए नए कैरेक्टर स्किल बहुत डाल दिए, जैसे रफेल में 3 कैरेक्टर स्किल डाल दिया है, हायाटो में 2 डाला है, और अपना नया कैरेक्टर स्किल मीशा में 1 डाल दिया है, A124 में नहीं डाला एक भी। ठीक है, सो रफेल का हम लोग जानते हैं। डेड साइलेंट इज़ नाउ पैसिव स्किल। ओके, पहले ये डेड साइलेंट एक्टिव स्किल था लेकिन अभी पैसिव स्किल हो गया है, सो ये भी अच्छा है, ठीक है, चलो ठीक है। ये वो साइलेंसर वाले लोगों के लिए, जब उतरते हमको साइलेंसर नहीं मिलता तो उस काम के लिए। और साइलेंसिंग इफेक्ट विल यूजिंग स्नाइपर एंड मार्क्समैन राइफल्स। एक साइलेंसिंग, अरे
साइलेंसिंग स्किल इफेक्ट व्हेन यूजिंग स्नाइपर्स एंड मार्क्समैन राइफल्स। ओके 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 ओके। इसके हिसाब से जब इसमें जो साइलेंसर का इफेक्ट है वो आप तभी यूज़ कर सकते हो जब आप स्नाइपर्स या फिर राइफल्स गन्स लेते हो, तभी आप इसको यूज़ कर सकते हो। और नई चीज़ और एक आई है, एनिमीज हिट एंड डाउन सफ़र 45% फास्टर एचपी लॉस। ओके ओके, ये भी एक चीज़ है लेकिन उतनी कुछ खास नहीं है, लेकिन ये चीज़ खास है कि साइलेंसिंग इफेक्ट केवल स्नाइपर और राइफल्स में यूज़ हो सकती है। ठीक है चलो, तो हायाटो में देखते हैं। हायाटो में आर्ट ऑफ ब्लेड नाउ पैसिव स्किल। ओके, ये भी एक्टिव स्किल थी हायाटो की लेकिन अभी पैसिव स्किल हो गई है, तो ये भी अच्छा ही किया इन्होंने। ठीक है, और रिड्यूस फ्रंटल डैमेज बाय 3.5% फॉर एवरी 10% ऑफ मैक्स एचपी लॉस। ओके, ये भी ठीक ही किया इन लोग ने। ओके 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 ओके। तो बाय द वे केवल वुकोंग का इन्होंने अच्छा काम किया, वुकोंग में बहुत अच्छा मतलब अच्छा इफेक्ट दिया। मेरे को क्रोनो का जानने का, लेकिन धीरे धीरे अपन चलेंगे। ठीक है, मीशा ड्राइविंग स्पीड इंक्रीज बाय 12% to 20%। ओके, मीशा ड्राइव मतलब मीशा गैराज वाला मतलब ड्राइविंग है ना, तो उसका 12% to 20% का इंक्रीज हो गया स्पीड। ओके चलेगा, अच्छा काम किया, इतना कुछ मतलब बकवास नहीं किया है। और न्यू मीशा इज़ हार्डर टू बी टारगेट एट वाइल्ड ड्राइविंग। ओके ओके ओके, इसमें कुछ खास बदलाव नहीं किया है, चलेगा। A124 क्विकली कन्वर्ट 60 EP into HP। ओ वाओ, ये भी ठीक है। चलो ठीक है, EP से HP में कन्वर्ट कर देती है। कन्वर्जन स्पीड 5 second to 4 second हो गया है। कूलिंग कूल डाउन सेकेंड 60 seconds से लेकर 10 seconds पे हो गया है। ठीक है, तो मतलब इसमें भी कुछ बदलाव हुए हैं, जैसे कि क्विकली कन्वर्ट पहले 50 होता था, अभी 60 हो गया है, तो इसमें भी थोड़ा बहुत बदलाव आया। अब मेरे को क्रोनो का जानने का, तो क्रोनो की बारी आ गई। ठीक है, इसको हम लोग पहले बढ़ा देते हैं फिर देखते हैं। ओके, फोर्स फील्ड रेडियस 2 to 2.5, फोर्स फील्ड ड्यूरेशन 9 to 8, सेल्फ मूवमेंट स्पीड 30 से 15% कर दी, और कूल डाउन स्पीड 1 number की है। पहले 40 seconds में कूल डाउन हो जाता था, अभी 170 seconds लगेगा कूल डाउन होने के लिए। भाई लिटरली बोल रहा हूँ, मेरे को चौथा वाला पॉइंट बहुत अच्छा लगा, कूल डाउन सेकेंड, जो मतलब जो शील्ड था क्रोनो का जो केवल 40 seconds में कूल डाउन हो जाता था, अब उसको कूल डाउन होने के लिए लगेगा 170 seconds। तो ये बड़ा ही अच्छा काम किया है, इसके लिए 1 like बनता है भाई। बड़ा मज़ा आ गया सुन के, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं यार क्रोनो ने बहुत परेशान किया है, लिटरली नाक में दम कर दिया है। अच्छा, इसमें स्काइलर का नाम नहीं है ना, वैसे नया कैरेक्टर है। चलो ठीक है, ओलिविया रिवाइव्ड प्लेयर विल बी रिसीव विथ एक्स्ट्रा 40 HP। ओके भाई साहब 1 number, ये भी ठीक काम किया। चलो ठीक है, 40 की जगह 70 HP कर दिया है। ओके चलो, मैक्सिम अच्छा मतलब आप अगर अपने पास ओलिविया है और हम लोग किसी को रिवाइव करते तो उनको 70 HP मिलेगा। ओके चलो, मैक्सिम जैसे कि आप लोग जानते हैं मैक्सिम फटाफट मेडिकेट ठूसता है, देखते हैं। ईटिंग एंड यूजिंग मेडिकेट इन फास्टर 12% से 40% हो गया। ओके भाई 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 1 number। केली का देखते, केली मेरे पास है। एक्टिवेशन स्पीड 4 second से 7 second से 4 second हो गया। ओके कम हो गया, चलो अच्छी बात है। डैमेज इंक्रीज 125% to 106%। ओके चलो, तो खास बदलाव इसमें इतना कुछ आया नहीं है, लेकिन खास बदलाव मतलब ज़्यादा चेंजेस किस में आए हैं, वुकोंग में और क्रोनो में, जो टॉप में दोनों दिख रहे हैं आपको उसमें ही चेंज आया, और उन दोनों के मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, और सबसे बड़ा चीज़ नया गन आ गया है, न्यू वेपन कॉर्ड नाम का। तो देखते हैं भाई लोग कैसा है ये गन, जब गेम खेलेंगे हम लोग तभी पता चलेगा। बड़ा ही मज़ेदार गन है, और गन को देख के लग रहा है कि इसका स्कोप टाइप गन है। और मैंने नए सर्वर में मतलब एक बार खेला है, तो ये इतना कुछ खास गन नहीं है, केवल 20-20 का डैमेज देता है, तो उतना कुछ खास नहीं, उतना मज़ा नहीं आता है। मैंने इस गन से खेल लिया है, 20-20 का ही डैमेज देता है नए सर्वर में, तो ब्राज़ील के सर्वर में मैंने खेला था, सो 20-20 का डैमेज देता है, उतना कुछ खास नहीं है। मेरे को SKS लगा और वुड पैकर भी ठीक ठाक है, इससे अच्छा ही है, तो इतना कुछ खास गन नहीं है ये। मुझे इतना कुछ मज़ा नहीं आया, इसका हेड भी उतना हेड ठीक है, लेकिन बॉडी डैमेज 20-20 का डैमेज है, मतलब एकदम फालतू डैमेज है, और अपना फायरिंग स्पीड भी बहुत कम है, तो मुझे इतना कुछ खास गन लगा नहीं। लेकिन जो लोग मतलब ट्राई करना चाहते हैं इस गन को, उनके लिए एकदम भगवान गन है, मज़ेदार गन है, तो ट्राई करो गन कैसा है कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। और आपको कौन सा इसमें से कौन से कैरेक्टर का स्किल बहुत पसंद आया, मेरे को तो सबसे अच्छा कैरेक्टर स्किल वुकोंग का पसंद आया, तो अगर आपको कोई और पसंद आया तो बता देना। और मेरे को तो लगता है शायद क्रोनो का किसी को पसंद नहीं आया रहेगा, अगर डिस्कस क्रोनो रहेगा उसको तो पसंद बिल्कुल भी नहीं आया रहेगा,
तो आगे चलते हैं और KO नाइट 24 अप्रैल, 24 अप्रैल का हम लोग वेट करना है और उस दिन KO नाइट का फाइट होने वाला है शायद। तो देखते हैं क्या होता है 24 अप्रैल को। बस इतना ही अपडेट आया है, सिंपल आपको करना कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे अपडेट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे ये ऑप्शन अपडेट का दिख रहा है, इस पर आपको दबा देना है और आपका अपने आप मज़े से अपडेट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू।